चैप्टर 3 हु सेड टू हुम मैच द फॉलोइंग, किसने किससे कहा. फर्स्ट टेक हिम अवे एंड ट्रेन हिम एज ही बिफेट्स वन ऑफ द फ्री पीपल, तो इसको ले जाओ और इसको ट्रेन करो जब तक कि हमारे पास एक फ्री पीपल नहीं बन जाता. अकेला सेड टू फादर वुल्फ, अकेला ने ये फादर वुल्फ से कहा था. कम अलॉन्ग लिटिल ब्रदर, मेरे साथ आओ लिटिल ब्रदर. बगीरा सेड टू मोगली, बगीरा ने ये मोगली से कहा था. एज मैनी टाइम्स एज देयर आर नट्स ऑन दैट पाम, मोगली सेड टू बगीरा, मोगली ने बगीरा से कहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन सब में से कौन सा सही है. अकेला वॉज ग्रोइंग ओल्डर एंड फीबलर, जो अकेला है वो बूढ़ा हो रहा था और कमज़ोर हो रहा था. शेर खान वॉज काइंड टू मोगली, जो शेर खान था वो मोगली के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता था. अकेला वॉज अ पैंथर, जो अकेला था वो एक पैंथर था. बालू वॉज मीन टू मोगली, और जो बालू था वो मोगली के साथ बहुत गंदी तरह से बिहेव करता था. तो अकेला वॉज ग्रोइंग ओल्डर एंड फीबलर, जो अकेला था वो बूढ़ा और वीक हो रहा था. हु सेड वॉट एंड वाई, All the jungle is yours and you can get everything that you are strong enough to kill. But for the sake of the bull that bought you, you must never kill or eat any cattle, young or old. That is the law of the jungle. Bagheera said these words because Mowgli was entered into the sea one wolf pack for the price of a bull. Bagheera ne words kahe the, ye jo Mowgli hai, usse sea one wolf pack mein enter karne diya tha ek bull ke price se. एंड ऑन बालूज गुड वर्ड, और जो बालू ने उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोली थी उस पर भी, ही टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नेवर टच कैटल बिकॉज ही हैड बीन बॉट इन टू द बैग एट द प्राइज ऑफ अ बुल्स लाइफ. उसने उसे बताया था कि वो कभी भी एक कैटल नहीं टच कर सकता, ना ही वो टच कर सकता है, ना ही वो मार सकता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर खरीदा गया था पैक के अंदर. दे टेल मी दैट द काउंसिल दे डेयर नॉट लुक हिम बिटवीन दी आईज. शेर खान सेड दीज वर्ड्स बिकॉज इवन इफ ही ग्रू विद द वुल्स and in the jungle he was different from them in some other way, so he would not stare at them for fun. Sher Khan ne words bole the kyunki chahe Mowgli wolves ke sath bada hua ho aur jungle mein wo sabse alag tha kisi na kisi way mein, aur iski wajah se wo sirf unko aise hi dekhta tha, मज़े में देखता था उनको, ज़्यादा मतलब आँखों में आँखें डाल कर नहीं देखता था, क्योंकि वो एक आदमी था इसलिए वो उससे सब डरते थे और उसकी आंखों में नहीं देख सकता था ज़्यादा टाइम तक.